करते हुए इस टूल को जो आपने नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया, कहीं ये इसके लिए खतरा तो नहीं पैदा करेगा? वॉल्यूम्स, पार्टिसिपेशन, फिजिकल मार्केट प्लेयर्स जो है अल्टीमेटली उन्हें ही यहाँ ट्रेड करना है, और अगर वो अनकम्फर्टेबल है तो लिक्विडिटी कैसे बढ़ेगी? वार सीट का जो एक्सपायरी डेट है दैट इज 20th, और जो बैटरी इंडेक्स अगर हम एक्सपायर कर रहे हैं उसको 30 तारीख में एक्सपायर कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर ट्रेडर जो है वो अनकम्फर्टेबल है तो उसको कैसे लेकर के चला जाए? ये तो वो वाली बात होगी जो जीएसटी के बीच में गवर्नमेंट ने अप्लाई किया है अलग अलग तारीख है। बिल्कुल सुरेश जी, तो इसका थोड़ा सा एक टेक्निकल है, मैं थोड़ा बताना चाहूंगी कैसे वो एक्सपायरी पहले रखी गई है। तो इसमें दो चीजों का हमें ध्यान देना पड़ेगा। पहला तो है कि जब हम कमोडिटी ट्रेड करते हैं उसमें एक नियर बत लिमिट करके कंसेप्ट होता है। तो नियर बत लिमिट का मतलब होता है कि आप जितनी लिमिट में काम कर सकते हैं एज अ क्लाइंट या एज अ मेंबर, वो जब उस महीने की एक्सपायरी आएगी तो वो एक चौथाई रह जाएगी। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा मान लीजिए ग्वार का ओवरऑल लिमिट अगर 3000 टन का है, ठीक है, एज अ क्लाइंट, तो अगर मैं अक्टूबर की बात कर रहा हूँ तो जैसे ही 1 अक्टूबर आएगा तो अक्टूबर के महीने में मैं केवल उसकी एक चौथाई पोजीशन ले सकता हूँ, यानी कि मेरी कैपेसिटी टू ट्रेड जो है वो कम हो जाएगी। अब इसको मैं रिलेट करता हूँ इंडेक्स से। अपने को ये चीज याद रखनी है कि इंडेक्स जो है वो एक कैश सेटल्ड प्रोडक्ट है, और उसका सेटलमेंट किस भाव पे हो रहा है? आपके अंडरलाइन के लास्ट के एक घंटे के वेटेड एवरेज के ऊपर। तो यदि आपका अंडरलाइन जो है उसमें ऑलरेडी लिमिट कम हो गई है, यानी कि आगे जाते जाते धीरे धीरे उसकी लिक्विडिटी कम होती जाएगी, क्योंकि अगर आप लिमिट कम कर दोगे ट्रेड करने की तो लिक्विडिटी कम हो जाएगी। और अगर आप ट्रेंड देखोगे तो यूजुअली आपका जो लास्ट डेट होता है महीने का उसके आसपास आपकी हाईएस्ट लिक्विडिटी होती है अंडरलाइन के अंदर, क्योंकि क्या होता है उस समय रोल ओवर शुरू हो जाते हैं। यानी आप पिछले महीने से पिछले महीनों में रोल करोगे, आपका नियर मंथ चालू हो रहा था तो आप नेक्स्ट मंथ में रोल करोगे, तो लिक्विडिटी हाईएस्ट होती है। किसी भी कमोडिटी के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है जो मार्केट देखता है वो है कि उसका सेटलमेंट कितना कितना स्टेबल है, सेटलमेंट का जो भाव आने वाला है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, और जितनी लिक्विडिटी कम होगी उतना सेटलमेंट प्राइस की स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाएगी। अगर मैं आपसे भी पूछूं, आप कहीं से आपको सामान खरीदने जा रहे हैं और वहां पे अगर दो ही दुकानें हैं, और एक आप अगर आप दूसरी जगह जा रहे हैं जहाँ पे 50 दुकानें हैं, तो शायद प्रेफर करोगे आप जहाँ पे 50 दुकानें वहां जाओ। क्यों? क्योंकि आपको ये पता है यहाँ मुझे सामान का सही भाव मिलेगा। तो सेम कहानी ये है कि आप जहाँ पे लिक्विडिटी ज्यादा है, जहाँ ज्यादा ट्रेड हो रहे हैं, आपके सेटलमेंट प्राइस, क्योंकि उस सेटलमेंट प्राइस के ऊपर आपका कैश सेटल कॉन्ट्रैक्ट सेटल होने वाला है, तो ये बहुत आवश्यक है कि वो उस समय सेटल हो जब आपकी लिक्विडिटी अंडरलाइन की मैक्सिमम हो। और हमने ये लिक्विडिटी एनालिसिस की और ये समझ में आया कि आपका जो लिक्विडिटी है वो 30th उसके आसपास जो है लास्ट ऑफ द मंथ होता है वहां पे मैक्सिमम होती है। तो अगर वहां पे आप सेटल करोगे तो आपका जो FSP आएगा उसकी स्टेबिलिटी, उसकी प्रमाणिकता जो हम कहते हैं वो सबसे अधिक रहेगी। और यदि आप नियर मंथ पे चले जाओगे तो आपकी लिक्विडिटी, क्योंकि नियर मंथ लिमिट लागू हो जाती है, डिलीवरी पीरियड आने वाला होता है, तो अंडरलाइन की लिक्विडिटी कम होती चली जाती है। जैसे जैसे अंडरलाइन की लिक्विडिटी कम होगी तो जो आपका जो 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 हम जो उसका लास्ट आप एक घंटे का वेटेड एवरेज ले रहे हैं उसकी जो उसमें जो ट्रेड्स कैप्चर हो रहे हैं वो कम होते चले जाएंगे। तो जो अगर हम बात कर रहे हैं कि हमें ग्वारेक्स को 1000 करोड़ का प्रोडक्ट बनाना है, तो आप समझिए कि 1000 करोड़ का उसमें सेटलमेंट होगा, 1000 करोड़ की वैल्यू का एक्सपायरी हो सकता है, बहुत लोग खुला छोड़े उसको या सेटल होने के लिए छोड़े, तो उसका स्पॉट प्राइस आज के लिए नहीं, आज हो सकता है उसके अंदर 200 लॉट का ही ओपन इंटरेस्ट हो, लेकिन जब उसके अंदर 10,000, 20,000, 50,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट होगा तो जो जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होगी वो होगी सेटलमेंट प्राइस, उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाएगी। तो उस चीज को दूरदर्शिता के साथ में कहूंगा उस चीज को ध्यान में रखते हुए इसका सेटलमेंट पहले रखा गया। अब दूसरी बात अगर मैं करूँ, जो विपिन जी कह रहे थे कि पहले सेटल हो जाता, तो अपने को ये चीज ध्यान रखनी है कि जो मैक्सिमम जो प्लेयर होते हैं वो रोल कब करते हैं अपनी पोजीशन। अगर हम बात करें तो हर कोई तो डिलीवरी में नहीं जाता है अंडरलाइन के अंदर भी, तो अगर मैं रिलेट करूँ कि वो अपनी पोजीशन को कब रोल करता है, तो अपनी पोजीशन को वो रोल करते हैं यूजुअली, अगर आप देखोगे, अगर आप डेटा एनालाइज करोगे वॉल्यूम को और बाकी चीजों को आपको लगेगा, नॉर्मली जो है 25 तारीख से लेकर 5 तारीख के बीच में मोस्टली लोग अपनी पोजीशन को रोल करते हैं, सभी ब्रोकर्स को भी पता है, ये नॉन फैक्ट है, ठीक है। अगर आप देखोगे उसके बाद ओपन इंटरेस्ट करंट मंथ में कम होगा, अगले महीने में बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ज्यादातर लोग जो है अपनी पोजीशन नियर मंथ में 30 तारीख तक ही रखते हैं, ठीक है। तो अगर वो तब तक ही रख रहे हैं और उस समय अगर आपका ये कॉन्ट्रैक्ट सेटल हो जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें किसी तरीके का डाइवर्जन है दोनों के बीच में, दोनों एकदम साथ चल रहे हैं। क्योंकि डिलीवरी में जाने वाले लोग, ये हमें सबको पता है कि ब्रोकर्स एक्स्ट्रा मार्जिन चार्ज करते हैं 5 तारीख के बाद में, यूजुअली 5 या 6 तारीख के बाद में, तो ज्यादातर लोग जो है उससे पहले अपनी पोजीशन जो है रोल कर जाते हैं, तो नॉर्मली वो 30 तारीख तक हो जाती है। अगर आप डेटा भी एनालाइज करोगे
तो आपको समझ में आएगा कि मोस्ट ऑफ द पीपल जो 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 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो अपनी पोजिशन को 30th से पहले पहले नियर मंथ आने से पहले पहले रोल कर लेते हैं 11,000 एक या 2 तारीख तक। तो फिर यहाँ भी आपको रोल करने में तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आपको अगर नेक्स्ट मंथ में जाना है, अगर आपको ये कहना है कि मेरा ट्रेड मुझे अगले महीने के लिए रखना है, तो आप 30th तक रोल कर दीजिए। 30th तक आप, या अगर आप इसी समय पर अपने ट्रेड को खत्म करना है तो आप एक्सपायरी के लिए खुला छोड़ दीजिए, आपका ट्रेड एक्सपायर हो जाएगा। और अच्छी चीज क्या है यहाँ पे सिक्योर इंडेक्स के अंदर कि जैसे अपने अंडरलाइंग में हर महीने के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वैसे यहाँ पे भी आपके हर महीने के कॉन्ट्रैक्ट है और हर महीने का जो अंडरलाइंग का भाव है वो भी आपको दिख रहा है। तो आपको जो रोल ओवर है वो भी आपको दिखेगा। यानी अगर मान लीजिए अंडरलाइंग में मेरे को ग्वार सीट में 50 रुपए का फर्क चल रहा है, ग्वार गम में 50 रुपए का फर्क चल रहा है, तो मैं अगर 7 × 0.7 × 50 + 0.3 × 50 करूंगा तो उतने रुपए का रोल ओवर मेरा इंडेक्स में भी चल रहा होगा। तो मैं उसी भाव पे एज अ सेलर और एज अ बायर में रोल कर सकता हूँ। तो ये काफी एनालिसिस करके, क्योंकि एज अ जैसे विपिन जी ने बताया एज अ क्लाइंट अगर हम देखते तो हमें लगता है कि दोनों चीजें अलग अलग है, लेकिन एज अ मैं जब डेटा देख के बात करता हूँ या मैं बैकएंड का डेटा देख के बात